Let's talk about ecology today. So firstly, the question is, what is ecology? So study of living being, जो भी living beings हैं उनका उनके environment से जो interaction हो रहा है उसकी study को ecology कहते हैं. So next is levels of ecological organizations. इसका first level है individual level पे. इंडिविजुअल इज़ समथिंग जिनकी एबिलिटी है कि वो एक्ट और फंक्शन अकेले कर सकते हैं, उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है. वी आर इंडिविजुअल लाइक वी आर सेल्फ, प्लांट, एनिमल, बैक्टीरिया, फंजाई, एनीथिंग, एनी ऑर्गेनिज्म इंडिविजुअली. दिस इज़ द लोएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. देन अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल व्हेन बी टुगेदर बेसिकली ऑफ सेम स्पीसीज और इन अ डिफाइंड एरिया, अगर किसी एक एरिया में कोई सेम स्पीसीज़ के कई लोग रह रहे हैं तो उसे हम पॉपुलेशन कहते हैं. तो इंडिविजुअल के बाद पॉपुलेशन लेवल पे ये हो रहा है. फिर पॉपुलेशन लाइक ये एक स्पीसीज़ हो गई और ये अदर इंडिविजुअल की एक स्पीसीज़ हो गई. अब अगर इन दोनों को कॉम्बिनेशन पे एक जगह अगर ये रह रहे हैं, दिस इज़ कॉल्ड कम्यूनिटी, जहाँ डिफरेंट टाइप के प्लांट्स, एनिमल, फंजाई रहते हैं. पॉपुलेशन से जब कम्युनिटी बन गई, अब इस कम्युनिटी जहाँ जिस एनवायरनमेंट में रह रही है उससे इसका इंटरेक्शन होना और प्लस मटेरियल ये आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं, लाइक हम एनवायरनमेंट से क्या ले रहे हैं, हम एनवायरनमेंट को क्या दे रहे हैं, दिस इज़ ऑल द प्रोसेसेस अंडर इकोसिस्टम. अब इकोसिस्टम दो टाइप का है, एक हो गया एक्वेटिक इकोसिस्टम, एक हो गया लैंड इकोसिस्टम. यानी कि एक्वेटिक पे पानी के अंदर जितनी कम्युनिटीज़ रहती हैं, बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं जो पानी के अंदर रहती हैं, दैट इज़ एक्वेटिक इकोसिस्टम. और दूसरा एरिया जो बच रहा है वो है लैंड. तो कुछ कम्युनिटीज़ लैंड में रहती हैं, वो हो गया लैंड इकोसिस्टम. नाउ इकोसिस्टम के बाद आता है बायोस्फीयर. बायोस्फीयर इज़ नथिंग बट अ पार्ट ऑफ अर्थ जहाँ भी लाइफ एग्जिस्ट कर रही है. ओके, मेनली जैसे हमने बात की एक्वेटिक और लैंड की, तो वेयर लैंड जहाँ पे है वो एरिया हो गया लिथोस्फेयर. एंड देन वेयर एक्वेटिक फाउंड, दैट इज़ कॉल्ड हाइड्रोस्फेयर. हाइड्रो मीन्स वाटर. एंड वेयर द एयर इज फाउंड इज़ कॉल्ड एटमॉस्फेयर. तो हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर और लिथोस्फेयर को मिला के जो बन रहा है दैट इज़ बायोस्फेयर, जहाँ भी लाइफ है. लिथोस्फेयर पे लाइफ है, एटमॉस्फेयर में लाइफ है और हाइड्रोस्फेयर में लाइफ है. ओके, now we'll talk about these terms. First, habitat and niche. Habitat is a place where organism live. Any place where organism used to live, that is habitat. And niche, जहाँ वो functional activity कर रहे हैं अपनी, that is niche. For example, suppose this is a tree and there are three types of birds. एक bird यहाँ पर रह रही है, हेयर, जहाँ पे वो इंसेक्ट्स खा रही है. एक बर्ड यहाँ के जो इंसेक्ट्स हैं या जो भी चीज़ें हैं वो खा रही है. दिस इज़ बर्ड टू, दिस इज़ बर्ड वन, एंड द थर्ड वन ये यहाँ पे, जैसे वुडपेकर, वो यहाँ सरवाइव कर रही है. ठीक है, तो अगर हम कहें कि बर्ड का हैबिटेट क्या हुआ, तो हैबिटेट इज़ अ ट्री. इन तीनों का हैबिटेट सेम है, ट्री इन तीनों का हैबिटेट है क्योंकि वो तीनों ट्री पे रह रहे हैं. बट जहाँ वो सर्वाइव करने के लिए जो फंक्शनल काम कर रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड निश. बर्ड टू का निश ये है, बर्ड थ्री का निश यहाँ है और बर्ड वन का निश यहाँ है. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज निश ओवरलैप. निश ओवरलैप इज़ अ सिचुएशन, अगर यही बर्ड्स सेम जगह पे दो बर्ड्स अगर फाइट करने लग जाएं, दैट इज़ कॉल्ड निश ओवरलैप, कि दो लोगों का निश एक ही जगह पे है. अदर बात करते हैं, अभी हमने जैसे बात की थी कि एक्वेटिक सिस्टम और लैंड इकोसिस्टम के बारे में, तो यहाँ से निकलता है इकोटोन. जब भी एक्वेटिक और लैंड के बीच का जो एरिया होता है, लाइक दिस वन, ये लैंड है, दिस इज़ ओशन. ओके, दिस इज़ लैंड. फंक्शन बन रहा है बिटवीन टू इकोसिस्टम, एक ये एक्वेटिक इकोसिस्टम हो गया, ये लैंड इकोसिस्टम, तो इनके बीच ये जो जंक्शन बन रहा है इसे हम इकोटोन कहते हैं. इकोटोन में बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, एग्जांपल मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है वो भी इकोसिस्टम का, ओ सॉरी, इकोटोन का ही एग्जांपल है.
नेक्स्ट इज़ डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉफ एंड हेटरोट्रॉफ। सबसे पहले ट्रॉफिक की बात करते हैं कि ऑटोट्रॉफ इज़ ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज़म्स हैं। तो अगर ऑटोट्रॉफिक का मतलब होता है ऑटो यानी ओन एंड ट्रॉफिक यानी फूड, जो अपना खाना खुद से प्रोड्यूस करते हैं, खुद से बनाते हैं, उन्हें हम ऑटोट्रॉफिक कहते हैं। जबकि जो अपने खाने के लिए दूसरे पर डिपेंड रहते हैं उन्हें हम हेटरोट्रॉफिक कहते हैं।